था तो एक व्यक्ति रैकी करता था, जो सेकंड व्यक्ति है वो गाड़ी के साइड वाले शीशे को तोड़कर और उसको फिर उसमें फिर इन लोगों के पास एक डिवाइस रहता है जिसके मदद से वो चाबी बनाते हैं, जो स्मार्ट लॉक आजकल कीज आती हैं उसको बनाते हैं, फिर स्टीयरिंग में एक मैग्नेट लगा के और उसको वो डिसेबल कर देते हैं जो भी सेफ्टी फीचर है, फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसको ले जा देते हैं। शुभम को गिरफ्तार किया था और जो चुराई गई गाड़ी है उसको रिकवर किया। उसमें जब शुभम से पूछताछ की गई तो उसने अपने जो अन्य साथी हैं उनके नाम बताए, उसी बिना पर दूसरे आरोपी गुरमीत की भी गिरफ्तारी हुई, उससे भी फिर एक चोरीशुदा क्रेटा गाड़ी बरामद हुई। और आगे की जब पूछताछ में पुलिस के सामने आया कि ये पूरा एक गिरोह है जो फोर व्हीलर जो महंगी गाड़ियां हैं उनकी वो चोरी करता है और उनका एक फिक्स मोडस ऑपरेंडाई है, इसमें चोरी करने के बाद इन सभी गाड़ियों को ये एक परनीत नाम का व्यक्ति है देहरादून में जिसके पास ये इसको वहाँ बेच देते थे, और वो परनीत नाम का व्यक्ति इन गाड़ियों को कुछ दिन अपने गैराज में रखता था। उसके पश्चात यहाँ कैथल और हिसार के एरिया में इनके जो बंदे फिक्स थे जो गैराज वगैरह चलाते हैं, जो गाड़ियों का काम करते हैं, उनको ये वापस गाड़ी यहाँ बेच देता था। और यहाँ से जो गाड़ियाँ हैं इनके जो ये जो यहाँ पे गैराज चलाते थे, ये लोग क्या करते थे कि जो पुरानी गाड़ियों को कंडम गाड़ियों को ख़रीदते थे और उनकी जो नकली आरसी और चेसिस नंबर है वो नई गाड़ियों पे इम्प्रिंट करके और फिर उनको एज अ मतलब नई गाड़ी जो ठीक गाड़ी है उनको जो भोले वाले कस्टमर्स हैं उनको वो बेच देते थे। और तो जो गाड़ी जो नई ये बेचते थे बना के, वो चोरीशुदा गाड़ी होती थी उस पर इंजन नंबर ओरिजिनल होता था, बट जो चेसिस नंबर है वो जो इन्होंने कंडम गाड़ी ख़रीदी हुई है उसका चेसिस नंबर उस पर वो लगा देते थे। तो इस प्रकार से फॉर्जरी भी करते थे और उस प्रकार से इन्होंने कई लोगों को गाड़ियाँ बेची हैं। तो CIA 1 ने इसमें काम करते हुए 18 गाड़ियाँ अभी तक रिकवर की हैं जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ से ऊपर की होगी, और इसमें 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे, इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इस धंधे में जो शामिल कुछ अन्य लोग भी हैं गिरोह में जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सर, जैसे कि गाड़ी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कैसे ये पूरा इस घटना को अंजाम देते हैं? इसमें ये 2 से 3 लोग इनका जो रहता था, तो एक व्यक्ति रैकी करता था, जो सेकंड व्यक्ति है वो गाड़ी के साइड वाले शीशे को तोड़कर और उसको फिर उसमें फिर इन लोगों के पास एक डिवाइस रहता है जिसके मदद से वो चाबी बनाते हैं, जो स्मार्ट लॉक आजकल कीज आती हैं उसको बनाते हैं, फिर स्टीयरिंग में एक मैग्नेट लगा के और उसको वो डिसेबल कर देते हैं जो भी सेफ्टी फीचर है, फिर वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद इसको ले जा देते हैं, और जो शीशा होता है जो विंडो जो ब्रेक किया है उसको भी रिप्लेस कर देते हैं ताकि किसी को शक न हो, और फिर इस गाड़ी को आगे जाकर देहरादून में जो इनका दूसरा पार्टनर है वहाँ इसको भेज देते हैं। जो ये 7 आरोपी कहाँ से पकड़े हैं और किस तरह इनका? जो शुभम है वो शिव कॉलोनी करनाल से पकड़ा गया है, जो गुरमीत है वो कनौरी रोड कैथल से पकड़ा गया है। इन दोनों से गाड़ियां बरामद हुई है, इससे स्विफ्ट गाड़ी हुई है, गुरमीत से क्रेटा गाड़ी हुई है। इसके बाद जब पुलिस को इस पूरे गिरोह का पता चला तो इसमें हमने एक FIR दर्ज करी 396 नंबर सिटी एरिया में, जिसमें फिर 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नरेश कुमार है, कुलदीप है, विशाल है, संदीप है और परनीत है। इन सभी से बाकी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। विशाल से कुल 8 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जिसमें 2 ऑल्टो, 1 स्कॉडा, 1 पोलो, 1 मारुति अर्टिगा, 1 स्विफ्ट डिज़ायर और 2 स्विफ्ट हैं। कुलदीप व नरेश से कुल 5 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जिसमें 1 डस्टर, 1 मारुति अर्टिगा, 1 स्विफ्ट डिज़ायर, 1 स्विफ्ट, 1 होंडा अमेज है। परनीत से कुल 2 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जो दोनों स्विफ्ट डिज़ायर हैं। संदीप से 1 मारुति स्विफ्ट गाड़ी रिकवर हुई है, शुभम से 1 मारुति स्विफ्ट गाड़ी रिकवर हुई है और गुरमीत से पहले 1 क्रेटा गाड़ी रिकवर हो चुकी थी। ये सभी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। इसमें अब पुलिस जांच करेगी कि इंजन नंबर और जो इनके ऊपर जो लगाया गया जो चेसिस नंबर है वो मतलब ज़्यादातर गाड़ियों में हमने अभी तक जो चेक किया है उसमें वो गलत पाया गया है कि जो RC वाली जो गाड़ियाँ थी, जो कंडम गाड़ियाँ थी, उनका जो चेसिस नंबर है इन पर लगाया गया है, और कई कई जगह जो इंजन का जो इंजन नंबर है वो भी ग्राइंड कर दिया गया है, उसको मिटा दिया गया है। तो ये इसमें जो बाकी धाराएं हैं फॉर्जरी वाली वो भी लगाई गई हैं,
और इसमें आगे की जांच जारी है। चोरी करते थे कोई विशेष फोकस स्थान होता था या वैसे मतलब कई बार होता है कि मैरिज है, भीड़ है, गाड़ियां काफी हैं, बस सुनसान सुनसान स्थान पर जहां पर मतलब कोई कैमरा ना हो, जहां पर कोई पकड़े ना जा सके, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए उसको तोड़ने में, फिर उसको चाबी लगाने में, फिर उसको स्टार्ट करने में, तो उस हिसाब से ये देखते थे। बाकी अभी इनसे पूछताछ की जाएगी जो 18 गाड़ियां कहां कहां से कौन सी चोरी हुई है, किससे करवाई है, वो सारी चीज़ें और अन्य मेंबर कौन कौन है, तो उसके बाद ही सारी चीज़ों का पता लगेगा।